वो या मदारी के अति में नाचते हैं, तो मेयर साहब इस ढंग से कृत्य करना बंद करें। चूंकि मेयर इसलिए चुने गए हैं कि पूरे नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं का निदान करें, नहीं उनसे नहीं पार लगता है तो अपने पद से त्याग पत्र दें। मेयर के उम्मीदवार रहे वार्ड नंबर 46 के पार्षद नंद कुमार प्रसाद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक व मेयर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधायक विजय चौधरी नगर निगम के कार्यों में हस्तक्षेप कर क्षेत्र के विकास में बाधक बन रहे हैं। मेयर उनकी कठपुतली है। निगम बोर्ड की जब बैठक होती है तब विधायक विकास का मुद्दा उठाने वाले पार्षदों की मुंह बंद कराने की कोशिश करते हैं। उन्हें जनता को बताना चाहिए कि नगर निगम से उनका क्या स्वार्थ है जो मोह भंग नहीं हो रहा। कई दशक बाद फर्दो आउटलेट की उड़ाही शुरू है। इसमें जब उनका व उनके कुछ लोगों का स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ तब विधायक महापौर के माध्यम से इसके टेंडर पर भी सवाल उठना शुरू कर दिए। नंदू शाह ने कहा कि महापौर की हालत यह है कि बिना विधायक से पूरे एक कदम अपने दम पर नहीं चल सकती। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने कहा कि निगम के माध्यम से हो रहे विकास कार्य कुछ लोगों को रास नहीं आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्षद अजय ओझा, शहनाज खातून, मोहम्मद हसन, पूर्व पार्षद विजय झा, सुरेश कनौजिया, रामू सहनी आदि मौजूद थे। वो या मदारी के अति में नाचते हैं तो मेयर साहब इस ढंग से कृत्य करना बंद करें। चूंकि मेयर इसलिए चुने गए हैं कि पूरे नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं का निदान करें, नहीं उनसे नहीं पार लगता है तो अपने पद से त्याग पत्र दें। जैसा कि हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि उनको पद मुक्त किया जाए, हम लोगों ने अपने पिछले चिट्ठी में हमने सरकार से मांग की है कि मेयर का जो कर्म है, जो कुकृत्य है, वो पूरे नगर मुजफ्फरपुर नगर निगम के विकास के विरोध में है। इस नाते और भी उन पर कई आरोप था, जिस आरोप के कारण उनको पदमुक्त किया जाए, इस चिट्ठी पर अभी तक कोई आदेश सरकार का आया नहीं है। इसके लिए हम लोग समय लेकर के प्रधान सचिव जी से, नगर विकास मंत्री से, और हमारा प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए हम लोग समय मांगेंगे। मिल गया तो मुख्यमंत्री तक भी हम मुजफ्फरपुर नगर निगम के क्षेत्र के जनताओं की समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री को भी अवगत कराने का हम लोग काम करेंगे। और वर्तमान मेयर को पदमुक्त करने के लिए हम लोग उनसे आग्रह करेंगे, क्योंकि ये मेयर साहब का जो कृत्य है ये कुकृत्य है और ये किसी लायक सक्षम मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर के पद के लिए नहीं। हम लोगों ने साथ ही सभी उपस्थित पार्षद जो भी थे, मातृशक्ति पार्षद और भी जो पुरुष पार्षद थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखा और 15 लाख रुपए की योजना थी उनके बारे में भी नगर आयुक्त को कहा। नगर आयुक्त महोदय इस अनुरोध को भी, इस प्रस्ताव पर भी वो सहमत हुए और उन्होंने कहा कि आज ही मैं यहाँ से जाता हूँ बैठक से, और 15 लाख की योजना को भी मैं उस पर कार्यान्वयन शुरू करूँगा। और नगर आयुक्त महोदय का जो इतने जुबा है, कर्मठ है, जुझारू है, शहर के समस्याओं के निदान के लिए चिंतित रहते हैं, इतनी बाधाओं के बावजूद एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि फर्दो नाला की सफाई जो पिछले 30-40 वर्षों में 20 वर्षों तक ये नगर विधायक वर्तमान इनके बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही। पुनः 5-3 को जो बैठक हुई वो आधी अधूरी बैठक हुई और उसके बाद स्थायी समिति से बजट को पास किया गया। 19 अप्रैल को जिस दिन की तथा कथित बोर्ड की बैठक, जो कि एक अंतर्द्वंद्व और कहिए कि बिना सफलता पूर्वक अंजाम दिए हुए उस बैठक को क्रियान्वयन करने की कोशिश की गई, उस बैठक की शुरुआत होते ही जैसे पहला एजेंडा होता है कि पूर्व की बैठक का संपुष्टि, तो महापौर महोदय आप तमाम मीडिया कर्मी में जो भी साथी मौजूद रहे होंगे आप लोगों ने सुना होगा कि महापौर महोदय ने कहा था कि 5-3 की बैठक को मैं रद्द करता हूँ। उसके बाद पुनः नगर आयुक्त को वो चिट्ठी लिख के कहते हैं कि 5-3 की बोर्ड की बैठक का हमको चाहिए एजेंडा और प्रोसीडिंग 80D। आपका प्रश्न, मूल प्रश्न है कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया,
8 फरवरी 2021 को, सुन लीजिए, 8 फरवरी 2021 को एक बोर्ड की बैठक हुई थी आम्रपाली ऑडिटोरियम में। उस बोर्ड की बैठक में महापौर, तत्कालीन महापौर सुरेश कुमार, होल्डिंग टैक्स को निजी एजेंसी के हाथों देने की बात थी और उन्होंने उस प्रस्ताव को छोड़ के बीच में उठ के लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।